वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल को बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए। और इस वीडियो लेक्चर में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो हम साथ के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पर ईयर बीएड जो एंट्रेंस होता है, यूपी बीएड एंट्रेंस, उसमें इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल त्रिभुज, त्रिभुज को हम त्रिभुज की ऐसी आकृति होती है जो कि तीन रेखाओं से, या हम कह सकते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ ए और सी एक भुजा है, सी और बी एक भुजा है, और ए और बी एक भुजा है। क्या है ये? थ्री साइड हैं, और थ्री साइड से जो एक शेप बन रही है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। तो जो ट्रायंगल होता है ये टू टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। भुजाओं के आधार पर भी होते हैं और कोणों के भी आधार पर होते हैं, तो हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, सम विषम बाहु त्रिभुज। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज, एक ऐसी आकृति जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं। आप ये जो ट्रायंगल देख रहे होंगे तो इसमें जो साइड है ये तीनों साइड इक्वल होंगी, तो ये क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। यहाँ देखिए ए, ये साइड भी ए है, ये ए है, ये ए है। अदर एग्जांपल से देखें, मान लीजिए ये थ्री सेमी है, तो समबाहु त्रिभुज कब कहलाएगा ये? जबकि तीनों भुजाएं तीन तीन सेमी की होंगी। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण भी बराबर होंगे। इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? रूट थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई जो साइड होगी उसका हम स्क्वायर करेंगे। हाइट फाइंड करने के लिए क्या है? रूट थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई साइड, जो भी एक भुजा होगी वो। और परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे हम? वो थ्री मल्टीप्लाई साइड भुजा। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर हमें निकालने हो, जो ट्रायंगल होता है उसका इंटरनल जो बनेगा सर्कल, उसके लिए क्या होगा? रेडियस के लिए भुजा अपॉन टू रूट थ्री, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या, तो उसके लिए क्या होगा? भुजा अपॉन रूट थ्री। तो इसी टाइप से हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसी आकृति जिसमें क्या है? दो भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होंगी, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या कैसे निकालते हैं? हाफ मीन्स वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेमी तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्मूला क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणे ऊंचाई। तो हमारा जो बेस था, बेस कितना है हमारा? 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो हाइट थी वो हमारी क्या है? वो हमारी है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ जो 2 था, इसे अगर हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 × 6, और ये फाइनली हमारा आंसर आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। याद रखिएगा ये यूनिट लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो इसके बाद हम अगला जो है वो डिस्कस करते हैं। अगला नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं कि क्या है। विषम बाहु त्रिभुज, तो इसमें क्या होगा? विषम, आप देख रहे होंगे कि तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी,
एक त्रिभुज की ऐसी आकृति जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो हमारा क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसका जो हम एरिया फाइंड करते हैं वो हम हेरोन फॉर्मूला से करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो त्रिभुज होता है उसकी अर्ध परिमाप निकाली जाती है। वो कैसे निकालते हैं, उसे हम एस से डिनोट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, जो भी डिफरेंट डिफरेंट साइड नंबर्स होते हैं उनका हम टोटल करते हैं और अपॉन टू कर देते हैं। इसके बाद हम एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर रूट एस, एस क्या है आपकी त्रिभुज की अर्ध परिमाप है, उसके बाद एस माइनस ए जो ए साइड होगी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, इम्पोर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में साइड आ जाती हैं तो अंडरस्टूड है कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए बी सी इनको लिखा, उसके बाद आपकी अर्ध परिमाप, यहाँ परिमाप होगा एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू करेंगे। यहाँ हमने टोटल कर दिया इसका, टोटल अपॉन टू, तो ये 36 आ जाता है। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो अर्ध परिमाप है वो कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या था, फॉर्मूला क्या था, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो जो हमारा 18 आया है, 18 में से पहले हम 9 लेस करेंगे, 12 लेस करेंगे और 15 लेस करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाता है 18 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3। अब हम 6 के ना फैक्टर कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये देख रहे हैं 2 पेयर बन गए 18 का, एक ये 18 हो जाता है और एक ये 18 हो जाता है और ये 3 3, तो हम इसे रूट से बाहर निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 3 और हमारा फाइनली जो एरिया होगा वो कितना आ जाएगा, 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाता है। अब हम देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, एक्यूट एंगल क्या होगा, इसके जो तीनों कोण होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका एक कोण जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इसके बाद है आपका अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें जो एक कोण होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब हम ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अंडरस्टूड है ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालनी है, तो यहाँ एस फाइंड करेंगे, तो एस फाइंड करने के लिए तीनों का हम टोटल करेंगे, वाई में टू करेंगे, तो 7 + 3 = 10 + 8 = 18, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, जो हमारा हो जाएगा 18 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो S की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, S की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9, और 9 आ जाने के बाद हम जो एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम रूट में क्या लेते हैं, जो रूट होगा उसमें हम क्या लेंगे, उसमें हम जो हमने ये 9 निकाला है वो हमारी एस की वैल्यू है, उसके बाद जो ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, 9 माइनस हमारा 3 हो जाएगा है, उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, 9 माइनस हमारा 7 हो जाएगा, और फाइनली एंड किस पर होगा, 9 माइनस 8 से। ठीक है, तो 9 माइनस यहाँ पर हम 8 कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा
9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब आप यहाँ देख रहे होंगे अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो आपका जो पेयर बनेगा वो 6 का बन जाएगा। तो हम 6 को बाहर करेंगे क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 6 अंदर हो रहा है और हमारा क्या रह जाएगा यहाँ पर रह जाएगा 3। तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा एरिया आ गया 6 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इस टॉपिक से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 4√3 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। तो यहाँ पे शीर्ष लंब ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले तो आप ये देखिए समबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं हो, ठीक है, और उसके बाद शीर्ष लंब ज्ञात करना है, मीन्स उसे जो ये हाफ कर रहे हैं लंब इसके का, तो यहाँ पे ऑल साइड्स क्या होंगी, ऑल साइड होंगी हमारी इक्वल होंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, सारी साइड्स हमारी इक्वल हैं। बट आप देख रहे होंगे जो बेस है वो हाफ हाफ हो गया है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/1/2 मल्टीप्लाई 4√3। ठीक है, सेम यहाँ से जो ये आप देख रहे हो ना इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ये दोनों सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम इससे कट करेंगे तो फाइनली हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2√3। तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम है आप जानते हो, उसमें जो लंब होता है उसको कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये हम मान लेते हैं ए, ये हो जाता है बी और ये हो जाता है हमारा सी और ये यहाँ पर क्या है, ये है डी। तो हमारी डी बी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 4√3
इसका हम स्क्वायर करेंगे, माइनस टू रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 4 16 हो जाएगा हमारा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 2 2 4 और मल्टीप्लाई होके हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके हमारा आ जाएगा 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 3 48 माइनस 4 3 12 इक्वल 36। अब यहाँ पर ये स्क्वायर देख रहे थे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 7। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। आप समझ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है आपका। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज ए बी सी में यदि ए 13 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर एवं सी 15 सेंटीमीटर हो तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद वृत्त को निकालने से पहले अंतर्वृत्त की हमें क्या निकालनी होगी, त्रिज्या निकालनी होगी, मीन्स रेडियस निकालनी होगी। तो रेडियस के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेडियस के लिए जो हमारा ट्रायंगल का एरिया आता है, ट्रायंगल का एरिया अपॉन जो भी हमने अर्धपरिमाप ली है वो करेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अब हमारे पास ट्रायंगल का एरिया नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें अर्धपरिमाप निकालनी है और उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसका एरिया, तभी हम रेडियस को फाइंड कर पाएंगे। तो आप देख रहे होंगे 13, 14 और 15 को जब हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी एस की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे ही जब आप हीरोइन फॉर्मूले से जब एरिया निकालेंगे इसकी वैल्यू पुट करके, तो हमारा वो कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारा 84। या आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं टाइम बचाने के लिए इस टाइप से डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप ये सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो 84 अपॉन 21 जब हम करेंगे तो दोनों कटों के हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी, हमारी रेडियस आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। और हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा पाई आर स्क्वायर था, यहाँ हम 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हमारी 16
पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी टाइप से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा या आपके एग्जाम में, क्योंकि जो बीएड एंट्रेंस होता है इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी में अंतः कोणों का अनुपात 5:6:7 है, 5:6:7 है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है आपको, जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है 5:6:7, ये ना एंगल दिए हुए हैं हमें, ये इनका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ना सिंपल करना है आपको, सबसे इजी वे है कि यहाँ पे इन सभी के साथ x मान के इनको टोटल कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x + 6x + 7x। पर आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो होता है आपका 180 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा, और 18x में x की वैल्यू इससे फाइंड करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 10 डिग्री। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो सबसे बड़े एंगल की बात करें तो वो कौन सा होगा, वो 7 होगा, तो 7x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो 7x की हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 × हमारा 10 डिग्री, और ये आंसर कितना हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो इसी टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। इसी के बेस पर मैंने और क्वेश्चंस को दिया हुआ है, उनको आप करिए और प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ से भी आपको जिस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं आप उनको सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें, आपका एग्ज़ाम इजीली क्रैक होगा और आपकी अच्छी रैंक आएगी। क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करिए। सेम आपको वही प्रोसेस करना है, पहले इनको एक्स के साथ कंपेयर करके, लाइक 3x 2x 1x टोटल ऐड करेंगे हम इसको, 6x आ जाएगा इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं, अंतः कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है, 180 होता है। ऐसे आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे और एंगल पी और क्यू को लेस करके वैल्यू आ जाएंगी और इसको फाइंड करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाला ये क्वेश्चन जो किया था, सेम इसी टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको भी हमें सेम उसी टाइप से करना है। यहाँ हम पहले एक x की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 डिग्री से कंपेयर करते हुए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, फिर तीनों एंगल को फाइंड करेंगे और पी क्यू एंगल को ऐड करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। एक ये क्वेश्चन और है, एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। इसको भी आपको सॉल्व करना है। त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ये ऑल क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये आपका असाइनमेंट है। थैंक यू सो मच।